महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से बिना किसी रुकावट के पास हो चुका है। बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर जारी है। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता बिल पर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि बिल का पूरे तरीके से विरोध तो किसी ने नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ बिंदुओं पर या तो सवाल खड़े किए हैं या फिर उसमें बदलाव के सुझाव करते हुए अपनी मांगे रखी हैं। बिल को लेकर किस नेता ने क्या कहा, चलिए आपको फटाफट अंदाज में सुनवा देते हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है, जो इतिहास में आगे चल करके दर्ज होगी और लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसे घड़ी का, ऐसे क्षण का हम उसके चश्मदीद गवाह हो, यह हम सबका सौभाग्य है। यह ऐतिहासिक घड़ी, ये भावनाओं से भरी हुई घड़ी, ये भावुक कर देने वाली घड़ी, जिसका हम सब लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वह संभव हो पाया तो दूर दृष्टि, अटूट निश्चय और पक्के इरादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नारी शक्ति वंदन विधेयक को समय पर ला करके जो पारित कराया है, इसके लिए भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वी आर फॉर इट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, वी आर हैप्पी दैट द वुमेन रिजर्वेशन बिल इज पास्ड, बट वी पुट टू मेजर अमेंडमेंट्स। वन इज to include OBC reservation also in these things, which government denied. And number two is, it should be done immediately. So our aim is to done it for 2024 Lok Sabha election, which are, that also government has denied. These two things government denied is little bit disappointment. Otherwise, the bill is passed, we are totally for that. ये एक ऐतिहासिक दिवस है, केवल भारतीय हमारी नारी के लिए नहीं, लेकिन पूर्ण संपूर्ण भारत के लिए, जहां महिला सशक्तिकरण का असली नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में स्थापित किया गया है। तो आज का दिवस संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के लिए एक स्वर्ण अक्षरों का दिवस होगा। रिजर्वेशन लेकर आए हैं, और जब आप ये रिजर्वेशन लेकर आए हैं, जब आपका अस्तित्व और वर्चस्व ओबीसी वोटर के बेस पे हैं और आप 10 साल सरकार में ओबीसी वोटर्स के बेसिस पे ही हैं, तो आप ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं उनका राजनीतिक अधिकार? का कोई ठिकाना नहीं है, जो 30 वर्षों से कोई नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। जो कभी लड़कता था, कभी झटके खाता था, आज उसको सही दिशा पर सही अंजाम दिलाने का काम किया। जब दृढ़ संकल्प लेकर चलते हैं मोदी जी, तो संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाते ही हैं। और आज महिलाओं के लिए, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों के लिए, युवा साथियों के लिए वो हुआ है जो दुनिया के बहुत सारे देशों में संभव नहीं हो पाया। अब इसी संसद में 33% से ज़्यादा महिलाएं होंगी, विधानसभाओं में 33% महिलाएं होंगी, और वो आने वाले वर्षों में आप देखिए वो नीति निर्माण में उनकी जो एक अहम भूमिका होने वाली है, गरीबों के कल्याण से भारत के उत्थान में वो हमारी मातृशक्ति सुनिश्चित करने वाली है। तो मोदी जी को आभार, सभी सांसदों का, सभी राजनीतिक दलों का धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूँ, आज मध्यरात्रि रात के 12 बजे इतिहास रच दिया गया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला आरक्षण की जहाँ तक बात है, हम लोग तो पहले से ही, हम लोगों की पुरानी मांग रही है कि आरक्षण में भी आरक्षण हो। हम चाहते हैं कि हर एक सेक्शन की महिला जो है उसमें जो है इसकी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे हर समाज की महिला जो है इसमें उनके लिए आरक्षित जो है सीटें वो होनी चाहिए। ख़ास तौर पे SC ST का है, उसी तर्ज पर पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक महिलाएं हो, इन सबों का भी जो है आरक्षण जो है उसमें होना चाहिए। और ये अभी से नहीं बल्कि बहुत दिनों से हम लोगों की मांग भी रही है। और हम तो इतना पक्षधर हैं कि भाई 33% आप लोगों ने जो आरक्षण किया है, 33 को बढ़ा करके 50% भी कीजिए, 50% कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम लोग पक्के हिसाब से हम लोग इस बिल को जो है समर्थन करेंगे, लेकिन खास बात ये होनी चाहिए कि उनमें पिछड़ा महिला, अति पिछड़ा महिला और अल्पसंख्यक महिलाओं की भी आरक्षण जो है सुनिश्चित ये सरकार जो है उसको कराने का काम करना चाहिए। और ये तो एक तरह से लग रहा है कि ये अभी इम्प्लीमेंट तो होगा नहीं, पास भले ही आज हो जाए लेकिन इम्प्लीमेंट आज नहीं होना,
कब होगा अब किसी को नहीं पता, तो सेंसेस होगा तब होगा, ये जो बातें कही जा रही हैं सेंसेस होगा, फिर उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद जो है महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है महिलाओं को जो है इसका लाभ जो है मिलना चाहिए, लेकिन सेंसेस तो ये करा नहीं रहे, 21 में कराना था। और हम लोगों की तो ये भी मांग है कि कास्ट सेंसेस, जब सेंसेस हो तो कास्ट सेंसेस भी भारत सरकार जो है इसको कराने का काम करे, ताकि जो रियल पिक्चर जो है, जो आंकड़े जो हैं, वो सब लोगों के सामने जो है वो आना चाहिए, तो ये मांग है। लेकिन अभी तो आप देखिएगा कि एक तरह का जुमला मोदी जी जो है फेंक रहे हैं कि भाई महिलाओं की हिमायती हैं, ये हैं वो हैं, महिला आरक्षण बिल लाया गया लेकिन इसमें OBC आरक्षण हटा दिया गया, अति पिछड़ों का आरक्षण हटा दिया गया, माइनॉरिटीज़ का जो आरक्षण होना चाहिए वो भी नहीं है इसमें। तो अब इम्प्लीमेंट भी होगा तो 29 को होगा, 29 में होगा या उसके बाद होगा, ये किसी को पता नहीं है। तो हम लोग तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो है इस पर काम होना चाहिए, और कम से कम हम लोग जो हैं OBC के लोग सोए हुए नहीं हैं, वो देख रहे हैं कि भाई ये भारत सरकार क्या कर रही है, और जान रहे हैं OBC के लोग कि ये छलने का काम कर रहे हैं। तो OBC जो है सारी चीज़ों को देख रहे हैं और अपने अधिकार को लेना वो जानता है। जी लाए हैं नारी शक्ति का वंदन भी, पूरे भारत की महिलाओं का पूछे दिल, सारे विरोधी अब हो जाएंगे कील, अच्छी सेहत के लिए उन्हें लेनी पड़ेगी पील, क्योंकि देश की जनता घमंडिया गठबंधन को करेगी नील। मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, सभी महिलाओं को मिल जाएगी मुक्ति, सशक्त हो गई है नारी, वो पड़ जाएगी हम सभी को भारी। महिलाओं को उनके काम में मत अड़ाओ, महिलाओं पर अन्याय करने वालों पर गाड़ी चढ़ाओ। सभापति महोदय, प्लीज, मैं बहुत बार गया हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं प्लीज। सभापति महोदय, मैं बहुत बार जाकर आया हूँ रूस, लेकिन महिला बिल के कारण मैं आज बहुत ही हूँ। प्लीज प्लीज राजीव जी प्लीज, आप बोले। तो आज मैं अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, उपसभापति महोदय, अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, सभी महिलाओं को मिल जाएगी मुक्ति, महिलाओं की गाड़ी अब नहीं कहीं भी रुकेगी, महिलाओं की गाड़ी अब कहीं भी नहीं रुकेगी, महिलाएं अब किसी के सामने नहीं झुकेगी, सशक्त हो गई है नारी, सशक्त हो गई है नारी, वो पड़ जाएगी हम सभी को भारी। लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेगी पारी, लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेगी पारी, और मोदी जी के साथ अब आएगी महिलाएं सारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ, महिलाओं को उनके काम में मत अड़ाओ, महिलाओं पर अन्याय करने वालों पर गाड़ी चढ़ाओ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो मुमकिन नहीं, मोदी है तो विकास है, मोदी नहीं तो विकास नहीं, मोदी है इसलिए नया संसद भवन है, मोदी है इसलिए नया संसद भवन है, मोदी नहीं तो नया संसद भवन नहीं, मोदी है तो G20 की अध्यक्षता है, लेकिन मोदी नहीं तो अध्यक्षता नहीं, मोदी है तो सामाजिक न्याय है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक प्लीज। मोदी है तो सामाजिक न्याय है, मोदी नहीं तो सामाजिक न्याय नहीं। प्लीज प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक, डू नॉट प्लीज, आप बोलो। हाँ उपसभापति महोदय, महिला बिल का समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ, महिला बिल का समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ,
क्योंकि मैं कई साल महिलाओं के लिए लड़ा हूँ। मोदी जी का ये निर्णय आपका समय खत्म हो रहा है। आप मोदी जी का ये निर्णय बहुत ही बड़ा है। माननीय जी कंक्लूड, समय खत्म हो रहा है, खड़ा हूँ, समय खत्म हो रहा है आपका, प्लीज समय खत्म हो रहा है, प्लीज कंक्लूड बोलना है ना। मोदी जी लाए हैं नारी शक्ति का वंदन भी, पूरे भारत की महिलाओं का खुश है दिल, सारे विरोधी अब हो जाएंगे कील, अच्छी सेहत के लिए उन्हें लेनी पड़ेगी पील, क्योंकि देश की जनता घमंडिया गठबंधन को करेगी नील। माननीय अठावले जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, प्लीज माननीय अठावले जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। विकास की स्पीड और स्किल और विकसित भारत बनने की आशा। माननीय अठावले जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, प्लीज कंक्लूड। मुझे लगता है कंक्लूड बिल, आपका समय खत्म हो गया, मैं दूसरे को बुला रहा हूँ। नो 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 नो, आई विल नॉट अलाउ। जो महिला आरक्षण बिल जो है, महिला आरक्षण विधेयक को लाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका और उनके योगदान भारत की जनता पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, क्योंकि महिलाओं के विकास के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में पेश किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1948 में माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा हिंदू कोड बिल विकसित करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 9 अप्रैल 1948 को एक चयन समिति द्वारा भेजा गया था। 4 साल के विचार विमर्श के बाद यह अनिर्णायक रहा। उनके अपने शब्दों में उन्होंने बोला था, मार डाला और अप्रयुक्त और गुमनाम होकर मर गए। स्वतंत्र भारतीय संसद में थैंक यू पर थैंक यू, यह सबसे लंबी बहस थी। अठावले जी थैंक यू, मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ। मैं ये सरकार को थोड़ा स्मरण करना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि 2014 साल में ये सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी अपनी इश्तेहार में ये सुनिश्चित किए थे कि सत्ता पे आने का तुरंत बाद हम लोग महिला आरक्षण बिल को पारित करेंगे। 10 साल लगभग गुजरने वाला है, 10 साल बाद देश की महिलाओं के बारे में मोदी जी की दोबारा याद आई, क्योंकि चुनाव आ गई, चुनाव दरवाजा खटखटा रही है, तो महिला को फिर लुभावन के लिए, लुभाने के लिए कुछ तो बोलना चाहिए, तो फिर नया जुमला हो चुके हैं। हम क्यों इसका विरोध करेंगे? ये तो हमारा ही मुद्दा है, हम इसको भला क्यों विरोध करेंगे? सरकार को हम साजिश देते मतलब सलाह देना चाहते हैं कि इसमें और कुछ चीजों को शामिल किया जाए। जैसे कि कल हमारे और एक साथी दानिश अली वो भी कह रहे थे कि ट्रांसजेंडर लोगों को क्या होगी, माइनॉरिटी की बात जो कह रहे हैं, ट्रांसजेंडर लोगों की क्या होगी, ये भी एक मुद्दा रखे गए हैं। तो कास्ट सेंसस होना चाहिए, यह हमारा मांग है। डिलिमिटेशन कास्ट सेंसस होने में काफी समय लगेगी, सरकार को बखूबी जानकारी है, लेकिन ये जानकारी होते हुए सरकार ये नहीं कहते कि देर होगी, सरकार इसको ऐतिहासिक करार दे चुके हैं, लेकिन ये कब होगा ना होगा, होने और ना होने के बीच में क्या अंतर है, ये खुदा जानते हैं, भगवान जानते हैं और ये सरकार जानते हैं। तो आपने सुना किस नेता ने क्या कहा? इन सभी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।